हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा अभिप्सा टीम। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन लेटर के बारे में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। लेटर एक तरह का मैसेज होता है, एक तरह का संदेश होता है जिसे हम रिटर्न फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में किसी दूसरों को सेंड करते हैं। तो जो एप्लीकेशन होता है वो भी एक तरह का लेटर ही है। यानी लेटर जो होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा फॉर्मल ही होता है। जैसे कि आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो लेटर है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर कैजुअल हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जो होता है वो हमेशा एक तरह का फॉर्मल लेटर ही होता है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, ये है एक तरह का फॉर्मल लेटर और इस फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आता है एप्लीकेशन लेटर। यानी एप्लीकेशन लेटर जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है किसका, फॉर्मल लेटर का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन लेटर होता है वो क्या होता है, किन किन जगहों पे यूज़ होता है। तो जो एप्लीकेशन लेटर है वो जॉब पर्पस से, जैसे एचआर मैनेजर को भेजना हो तब के सेंस में, जैसे लीव एप्लीकेशन भेजना हो तब के सेंस में हम जो है एप्लीकेशन लेटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे हमें स्कूल्स में, कॉलेज में या किसी ऑफिस में या किसी दफ्तर में यदि हमें कोई परमिशन लेनी हो, अनुमति लेनी हो, तब के सेंस में भी हम एप्लीकेशन लेटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हमें बैंक में किसी भी तरह का कोई काम हो तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन लेटर का यूज़ ढेर सारी जगहों पे किया जाता है। यानी एप्लीकेशन लेटर जो होता है वो एक तरह का फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। जैसे स्कूल्स में हमें किसी भी तरह की अनुमति लेनी हो या कॉलेज में अनुमति लेनी हो तब हम सिंपल सा एप्लीकेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है काफ़ी आसान होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि हमें ईमेल करना हो तो हम किस में रखते हैं, रिसीवर को, टू में, यहाँ पे हम टू करके रखते हैं रिसीवर को। तो जैसे आपको रिटर्न फॉर्म में लिखना हो तो सबसे ऊपर में आपका क्या रहेगा, रिसीवर्स डिटेल, यानी हम किनको भेज रहे हैं एप्लीकेशन, किनके नाम को हम भेज रहे हैं, उनका डिटेल सबसे ऊपर में होगा। उसके बाद फिर हम डेट लिखेंगे कि हम कौन से डेट पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसे हम लिखेंगे कि हम लीव को लेकर के लिख रहे हैं या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को लेकर के या किन चीज़ों को। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन इट मीन्स जैसे डियर सर, डियर मैम, यस सर, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, ये होता है सैल्यूटेशन। उसके बाद फिर बॉडी, अब बॉडी में तीन चीज़ें आ जाती है जिसमें इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद मेन जो कंटेंट है यानी हम किस चीज़ को लेकर के एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, तो इस तरह से बॉडी लिखेंगे। उसके बाद फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज, कम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे जैसे थैंक्स एंड रिगार्ड्स इस तरह से, या फिर योर सिंसरली या थैंक यू इस तरह से। उसके बाद फिर सेंडर का डिटेल, सेंडर इट मीन्स जो एप्लीकेशन लिख रहा है, यानी हम जैसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हमारा जो डिटेल होगा वो यहाँ पे होगा। इसे आप एक इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसा कि ये एक फॉर्मेट है जिसमें सबसे ऊपर में आपका टू रहेगा और यहाँ पे जैसे कॉमा लिखते थे पहले, अब कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी पंक्चुएशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में आपका हो गया टू, उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, यानी किनको भेज रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल को भेज रहे हैं तो प्रिंसिपल को, मैनेजर को भेज रहे था भेज रहे तो टू द मैनेजर इस तरह से। यानी यहाँ पे जिनको आप भेज रहे हो उनका नाम यहाँ पे, यानी पद नेम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर नेम ऑफ स्कूल, यानी स्कूल को यदि हम भेज रहे हैं तो नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर एड्रेस लिखेंगे, यानी कहाँ हम भेज रहे हैं, वो जो जिस ऑफिस में भेज रहे हैं, जिस स्कूल में भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि एप्लीकेशन लीव के लिए है तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। उसके बाद फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम या सर या डियर सर, डियर मैम इस तरह से। फिर बॉडी लिखेंगे, बॉडी की शुरुआत इस तरह से भी हम कर सकते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट इस तरह से। उसके बाद थैंकिंग यू, उसके बाद या थैंक यू या एंड, उसके बाद योर्स फैथफुली, इस तरह की वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किन का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हम लिख सकते हैं योर्स सिंसरली,
इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंसरली की जगह पे हम लिख सकते हैं योर्स फैथफुली या फिर योर्स ओबीडियंटली, इस तरह की वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फुल नेम, फिर क्लास सेक्शन, उसके बाद रोल नंबर। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट में आप कोई भी एप्लीकेशन आए आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि कोई भी एप्लीकेशन यदि लिखेंगे तो हमेशा एक ही पेज में लिखेंगे, एक से ज़्यादा पेज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम सिर्फ एक ही पेज में लिखते हैं, और एक ही पेज में ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कैसे आप एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यू आर दुर्गेश निषाद ऑफ क्लास 10th बी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेमेतरा, राइट अ लीव एप्लीकेशन स्टेटिंग दैट यू नीड सिक लीव्स फॉर 4 days एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जैसा नाम दिया जाएगा, जैसे स्कूल का नाम दिया जाएगा, और जिस चीज़ को लेकर आपको एप्लीकेशन लिखना है वैसे ही आप एज इट इज़ लिखेंगे, अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका नाम दुर्गेश निषाद है, आप कक्षा 10वीं के सेक्शन बी में पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको एक लीव एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक है, अपने स्कूल में लिखना है, तो 4 days की आपको लीव की ज़रूरत है, तो इससे रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, तो वैसे ही आप लिखेंगे। तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेमेतरा, इस तरह से। देखिए यहाँ पे जो रिसीवर है उनका, यहाँ पे पद नाम, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद फिर एड्रेस, यहाँ पे आप चाहे तो आप पिन नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया है, करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे डेट 10th January 2023, आप चाहे तो जनवरी यानी मंथ को आप पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा January 10th 2023, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए 4 days, 4 दिनों की छुट्टी, तो यहाँ पे हमने एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लिखा हुआ है। यदि यही रहता वन डेज लीव, तो यहाँ पे हम वाई के बाद लिखते 1 days लीव, इस तरह से। ये जो एपोस्ट्रॉफी है ना, इसका मतलब होता है का के की, एक दिन की छुट्टी, 4 दिनों की छुट्टी, यानी एक से ज़्यादा यदि रहे तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाना है, और यदि एक रहे तो वाई के बाद लगाना है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद फिर सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बॉडी, और जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें देखिए इस तरह से विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट या विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड माई डॉक्टर सजेस्टेड मी या रिकमेंडेड मी टू टेक रेस्ट फॉर सम डेज सो दैट माई बॉडी कैन रिकवर इजिली, आई नीड टू टेक रेस्ट फॉर मिनिमम 4 days। इसमें हमने इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये समस्या आ रही है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लिखेंगे मेन चीज़, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव्स फॉर 4 days, इट इज, इट मीन्स दैट इज 14th through 17th April 2023, सो दैट आई कैन मैनेज एवरीथिंग। उसके बाद हम लिखा कंक्लूजन, काइंडली कंसिडर माई, ये है रिक्वेस्ट है REQUEST, काइंडली कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। तो इस तरह से हम बॉडी लिख लिए। अब बॉडी लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, थैंक यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, योर्स ओबीडियंटली, इस तरह से वर्ड्स, योर्स फैथफुली, ऐसा थैंक यू या थैंक्स एंड रिगार्ड्स, उसके बाद योर्स फैथफुली, फिर नाम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज का आपको यूज़ करनी है, ज़्यादा एकदम कठिन लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही आप एक ही पेज में इसको कंप्लीट करिएगा। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल जिसमें जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर के या कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, और यू आर मोहन बंजारे स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कवर्धा, यू हैव टू गो विथ हिम देयर, सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम
टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें जो नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसमें जो नाम दिया गया है कि आपका नाम मोहन बंजारे है और आप कक्षा 10वीं की स्टूडेंट है और आपके जो फादर है वो रायपुर से कवर्धा ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसे लेने के लिए, यानी उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो वो आपका सेम रहेगा एज इट इज़। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कॉमा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये कॉमा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हो गया टू, उसके बाद फिर हमने लिखा, यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को, फिर स्कूल का नाम, उसके बाद फिर ये पता है, पिन नंबर भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे डेट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे एन लिखेंगे तो भी ठीक है और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं ऐसे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे, तो इस तरह से हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर सैल्यूटेशन सर या डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद फिर बॉडी, अब जो बॉडी है वो इस तरह से होगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, रिस्पेक्टफुली आई बैग टू सी दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू कवर्धा, माई फादर इज शिफ्टिंग हिज फैमिली फ्रॉम रायपुर टू कवर्धा, सो आई विल गो विथ हिम एंड कंटिन्यू माई एजुकेशन देयर। उसके बाद काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल सो दैट आई कैन स्टार्ट माई स्टडी वेरी वेल। इस तरह से आप एप्लीकेशन को कम से कम जो बॉडी पार्ट है ना उसको लिखेंगे तो कम से कम दो पैराग्राफ में लिखना है, दो पैराग्राफ में या तीन पैराग्राफ में। उसके बाद बॉडी लिखने के बाद फिर थैंक यू या थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर ओबीडियंटली, उसके बाद फिर नेम, उसके बाद क्लास। तो इस तरह से आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन है वो भी आप अच्छे से आसानी से लिख सकते हैं, चाहे वो लीव एप्लीकेशन हो चाहे वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन हो। किसी भी तरह के एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपको इन्हीं जो स्टेप्स हैं इनको आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन लेटर का जो फॉर्मेट हो काफ़ी आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।